नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने में भी सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनावी रैली भी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित छोटे दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिस तरह 2022 चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने किस्मत को चमकाने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसको आजमाने के लिए जनता के बीच मन चाहे लुभाने वायदे लेकर आ चुकी हैं। और इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम आगरा के सौफटा रोड पर आ चुके हैं, जहां जनता के बीच आए हैं और जनता से ही जानते हैं कि वो इस बार 2022 में जो मुख्यमंत्री का ताज है, इस बार जनता किसको पहनाने जा रही है। तो आइए, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, चाय की दुकान पर हम आए हैं और यही हम चर्चा कर लेते हैं और इनसे बात कर लेते हैं। और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ये बात कर लेते हैं कि इस बार 2022 में जनता किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगी। क्या नाम है? मुख्यमंत्री मनोज यादव, अखिलेश यादव बनाएंगे मुख्यमंत्री को। अखिलेश यादव जी, योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। योगी जी ने काफी ऐसी योजनाएं लाई, किसानों के लिए योजनाएं लाई। आप योगी जी को क्यों नहीं, अखिलेश यादव को क्यों? अखिलेश यादव के हैं ही, हम शुरू से अखिलेश यादव को वोट ही देंगे। आप अखिलेश यादव को वोट? योगी जी को क्यों नहीं देना चाह रहे? योगी जी ने किया क्या है जनता के लिए? कुछ नहीं, अखिलेश जी की योजना की वो कर रहे हैं उद्घाटन, और क्या कर रहे हैं। योगी जी ने तो एक्सप्रेस वे बनाए हैं अभी, तो अखिलेश जी ने बनाया हुआ था सब। अखिलेश जी ने बनाया, तो आप योगी जी से नाराज हैं? योगी जी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं देंगे। ये हमारे साथ जो भाई मौजूद थे, ये इतने नाराज हैं कि ये तो योगी जी के बारे में बात सुनना ही पसंद नहीं करते। हमारे साथ ये एक और भाई मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि ये किसको वोट देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार जी। जिस तरह की 2022 का चुनाव नजदीक है, आप किसको वोट देना चाहेंगे, किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाना चाहेंगे? योगी जी। योगी जी को? योगी जी को। अखिलेश को क्यों नहीं? ये तो अखिलेश से बहुत योगी जी से बहुत नाराज है। नहीं नहीं, वो अपनी अपनी पसंद है। अच्छा, योगी जी का शासन सही चल रहा है, शांति है, विकास हो रहा है। ये कह रहे हैं योगी जी का शासन अच्छा चल रहा है, विकास हो रहा है। होगा बिल्कुल, हमारा तो नहीं चल रहा है, हमारा तो नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा? नहीं, ये कह रहे हैं तो नहीं चल रहा। वो उनकी अपनी अपनी पसंद है। किस तरह, कैसे, मतलब कैसे मानते हैं कि शांति है, गुंडागर्दी खत्म है, और क्या चाहिए योगी जी से? हर आदमी यही चाहता है, शांति होनी चाहिए। क्या नाम है? मैं पप्पन यादव। जिस तरह की 2022 का जो चुनाव आने वाला है, मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, योगी जी क्यों नहीं? उसने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया? नहीं किया। और ये तो कह रहे हैं कि काम बहुत किया। नहीं किया। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव ने कोई काम, योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया। वो झंडा लेके घूम रहे हैं, उन्हें कहाँ दिखेगा काम? योगी जी का काम कैसे दिख जाएगा उनको? झंडा लेके घूम रहे होते हैं तो काम नहीं दिख रहा। पार्टी का आदमी प्रचार करता है, उसे तो पेंशन मिलती है। उनको पार्टी से पेंशन मिलती है? ये कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया, ये तो झंडा की नहीं, नहीं मिलती है, है? नहीं, अखिलेश भैया देते हैं, अखिलेश भैया नहीं। अच्छा ये बताइए, योगी जी से आप क्यों नाराज हैं? योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया, जो गुंडागर्दी है, भू माफिया, वो सबको खत्म कर दिया, फिर आप योगी जी को क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते, उसने काम नहीं किया यूपी के अंदर। कोई काम नहीं किया? नहीं किया। और ये तो कह रहे थे काम किया है, किसानों की फसल बर्बाद कर दी, फुटपाथ पे ला दिया किसान, कोई आदमी 100 रुपए कमा के ला रहा, उनका पेट नहीं भर रहा। योगी जी ने तो किसानों के लिए पैसे दिए, जो 2000 रुपए का जो धनराशि वो दी आप पास। अभी तक कोई रुपए नहीं आया खाते में, हमारे खाते में नहीं आया। आपको नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। योगी जी के सब मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? योगी जी 2000 रुपए दे रहे हैं सब किसानों को। ये तो कह रहे हमारे हर मजदूर को 1000 रुपए मिल रहे हैं, कैसे नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। क्या नाम है आपका? गोविंद पारा सर। जिस तरह की इनका कहना है कि योगी जी बहुत काम करा रहे हैं, और वही दूसरे भाई मौजूद हैं यहाँ कुछ लोग, और उनका कहना है योगी जी ने कोई काम नहीं कराया, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। आपका क्या कहना है? आपको पता है पहले तो गुंडागर्दी खत्म हुई है, पहले खाली प्लॉट हमारा है, ये तो मुलायम सिंह जी का नारा था,
और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ये भी मुलायम सिंह जी का ही नारा है। और जिन्होंने कार से वो गोली चलवाई हो वो हिंदू तो वोट देगा नहीं, जो भगवान राम को मानता होगा वो सपा को कभी वोट नहीं देगा, एक बार मायावती को फिर भी दे देगा लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई हो। और फिर वापसी कर रही है 2022 में योगी जी, हर हर मोदी घर घर योगी। देखिए इनका कहना है कि योगी जी ही आएंगे। मेरा कहना यही है, सरकार कोई किसी का लाभ नहीं करती है, गरीब जनता को क्या मिला है? आप जहाँ खड़ी हो इस जगह पे सरकार ने क्या किया यही की बता दें लोग बात। योगी जी तो कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म, गुंडों को ही खत्म कर दिया, जनता को खत्म कर दिया, गुंडागर्दी क्या खत्म कर दी, गुंडों को पाल दिया उन्होंने। और यूपी के अंदर गरीब जनता के लिए बराबर योगी जी राशन दे रहे हैं, कुछ नहीं किया। कहते रहे, कहने रहे क्या होता, किसको पैसा मिला कि सरकार ये कर रही, सरकार ने मेरी बात सुनो, योगी ने राजभोग बांट दिया सिलेंडर, गैस भरवाने गैस इतनी महंगी करती, घर घर चूल्हे बंद हो गए, फिर लोग बाग वहीं आ गए जहाँ चूल्हा जलाते थे वह भी चूल्हा जला रहे हैं। गरीब जनता के लिए क्या किया है बताओ मुझे? आपका कहना है गरीब जनता के लिए योगी जी ने कुछ नहीं, कुछ किया। नहीं किया, ये इनका कहना है गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो समाजवादी में जो टाटा बिल्ला थे, अब मोदी योगी जी ने इनको खत्म कर दिया है। हाँ, पहले तो टाटा बिल्ला थे ये, समझे, पहले तो ये सारे टाटा बिल्ला थे ये, अब ये वो कर दिए हैं। ये नहीं है कि कोरोना काल में इनकी जान बचाई, ये योगी मोदी ही है जिन्होंने जान बचाई। अब पहले ये टाटा कहना है कोरोना काल में योगी मोदी ने जनता की जान बचाई, जान बचाई है बहुत बड़ी मत है। आगरा वाले खुद बता देंगे, यहाँ के निवासी खुद आप क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इसी वजह से, क्योंकि जनता ने जान बचाई, जनता को जलाने की लकड़ियाँ तक नहीं मिली लोगों को, लकड़ी नहीं मिली। हाँ, ये इनको पता हो, ये कोई है कोई प्रूफ इनके पास है? जो अमेरिका चीन ऐसे शक्तिशाली देश उसमें लाशों के ढेर लग गए, ये इंडिया ही थी जिसमें कंट्रोल किया, आज ये जिंदा खड़े हैं ना, ये योगी मोदी जी की देन है। ये शुक्र मनाए कि योगी मोदी जी ने राम की देन, राम की देन नहीं है, राम की देन है, हम बड़े हुए जनता खड़े, राम की देन है ये, भगवान की देन है ये। मोदी जी योगी जी क्या करते हैं या अखिलेश क्या करेंगे, इसमें जनता की देन है तो ऊपर वाले भगवान का भरोसा है। इस बार 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं? मुख्यमंत्री कोई बने, सरकार सबकी अच्छी चलती है, सब अपने कार्य पूरे करते हैं, मगर जनता जो है ना, हम कह नहीं पाते हैं, मुझसे बात ये है, हम अपनी मांग नहीं बांट पाते हैं। अभी आपने कहा कि योगी जी के राज में जनता बहुत दुखी है। दुखी तो यूँ ही है ना, राशन पानी दुखी है, बताइए, राशन कार्ड नहीं बनना है लोगों के, हमें तो सबको मिल रहा है, सबको गाय ये लेने नहीं जाएंगे तो योगी जी के घर देने जाएंगे क्या? हाँ, सब ये लेने नहीं जाएंगे तो योगी जी के घर जाएंगे देने के लिए, जब इनका कोई राशन भी कार्ड नहीं बनवाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं तो कहीं लेने तो नहीं जाएगा, योगी जी घर देने जाएंगे। हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस बार 2022 में ये किसको मुख्यमंत्री? वोट की वजह से अभी मेरा नाम पंडित हरिशंकर शर्मा। अच्छा, ये हमें एक पंडित जी मिल गए हैं, इनसे ही जानते हैं कि पंडित जी जो ब्राह्मण वोट है, जो ब्राह्मण वोटर है, उसको लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने दाव लगा रही हैं, तो हम इनसे बात कर लेते हैं कि इस बार ब्राह्मणों का मूड किधर है? आप किस बार ब्राह्मणों की नहीं पता है मुझे, मैं कांग्रेसी हूँ और पक्का कांग्रेसी हूँ, हमेशा कांग्रेस को मैंने वोट दिया, आज भी मैं कांग्रेसी हूँ और प्रियंका को लाना चाहूँगा, मेरा विचार ये है। योगी जी को क्यों नहीं? योगी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया। खैर, बीजेपी को तो छोड़ ही दीजिए, केवल पेपर न्यूज टीवी न्यूज इसमें उसका काम होता है, बाकी जमीनी काम कोई नहीं है। आज मेरे साथ चलो मेरे साथ, नवीन जयंत के बोर्ड लगे हुए, वहाँ 250 ग्राम सीमेंट यदि बीजक के अलावा लगाओ कई है। योगी जी तो कहते हैं, योगी जी ने तो गड्ढा मुक्त सड़कें बना दी, तुम्हें दिखाई दे रही है कि गड्ढा मुक्त है, कहाँ बनाई है बताना। योगी जी तो साफ तौर से कहना है कि गड्ढा मुक्त है। आज मान लो जो हाईवे बने हैं कहीं, वो मुलायम सिंह के बने हुए के ओपनिंग की है, दो मुलायम की रोड बन रही है बीजेपी ने, दो मुलायम की, ये कह रहे हैं। मेरा नाम भरत डांगरे है, ठीक है। योगी जी की सरकार में जो योगी जी ने नारा दिया था गड्ढा मुक्त सड़क, गड्ढा सारे मुक्त हैं, सारे मुक्त हैं, कहीं भी जाइए आप, किसी भी रोड पर चले जाइए आंख बंद करके। कांग्रेस में तो खेत पे भी मार्बल लग गई थी, कांग्रेस सरकार में राहुल गांधी का एक बयान था कि खेतों में भी मार्बल लगवा देंगे,
खेतों में पैर नहीं बिगड़ रहा किसान का। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार में बयान तक हो गया, राहुल ने क्या, राहुल गांधी ने बयान दिया, देश को वही बचाएगी कांग्रेस, लाओ देश बचाओ, मार्बल लगा सब, हर इंसान सुखी था कांग्रेस के राज में, हर व्यक्ति खुश था। कांग्रेस ही क्यों पहले पेपर कांग्रेस का कहीं रुके है आज भी, कांग्रेस कांग्रेस ही क्यों, मायावती जी क्यों नहीं। आप मान लो राशन मुक्त की बात आती है, 6 दिन हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, 6 दिन क्यों, सालों से मिल रहा है, अरे पूरा पूरा पेपर में, पेपर न्यूज में है, दैनिक जागरण में, कि अब मार्च तक और बढ़ा दिया गया है, यानी चुनाव की वजह से विचारों को बढ़ाना पड़ रहा है, योगी जी ने तो जो गुंडागर्दी थी यूपी के अंदर से सब खत्म कर दी और गरीबों को राशन भी दिया है। खुश है इंसान बचा हुआ है, बिल्कुल खुश इंसान और व्यक्ति बचे हुए हैं, जनता बची हुई है, जनता बची हुई है, मैं तो जानता हूँ ये कह रहे हैं योगी जी ने तो प्रदेश किससे खत्म कर दिया, जो फुका जो कहते हैं ना वो कारतूस, वो कांग्रेस है, फुका हुआ है उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है, कहाँ ये फुका कांग्रेस का वो होगा, ये अपने अपने विचार हैं और अपने अपने विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, बनने वाला बनेगा। और मैं बता दूं आपको, अपने सपा को कोई वोट देगा नहीं, क्यों जिसने कार सेवकों पे गोली चलाई हो तो सपा तो आनी नहीं है, और तुम्हारे जो कांग्रेसी है उनके कारतूस फैल है वो कहीं है नहीं, और बीजेपी 2022 में पहले से ज्यादा में आ रही है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ, इनसे जान लेती हूँ, ये आम जनता के लोग ये भी हैं, और इनसे मैं बात करती हूँ कि इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। भैया मैं तो जाट हूँ, जय भीम, मगर सरकार योगी की आ गई, इन्होंने बताया कि सरकार जो है योगी जी की ही आएगी। एनजी ने भी साफ कह दिया। 2022 का ताज किसको पहनाएंगे? योगी जी। इनका भी साफ तौर से कहना है कि योगी जी को ही हम 2022 का मुख्यमंत्री का जो ताज है वो पहनाएंगे। हमारे साथ भैया है, कुछ कहना चाह रहे हैं। बहन जी ने साफ कहा है कि हम सपा को हराएंगे, बहन जी के जितने वोटिंग है वो बीजेपी को करेंगे, बहन जी ने साफ कह दी है, बहन जी के जितने वोटिंग है वो बीजेपी को करेंगे, इसलिए मैं सभी जितने भी बहन जी के वोटर हैं, बहन जी की इज्जत करते हुए सब 2022 में योगी जी की सरकार बनाए। ऐसा है कि हमारे लिए देखो योगी जी ने मकान भी दिया है, राशन भी दिया है, हम वोट ना अखिलेश को दें ना मायावती को दें, समस्या हुई थी तुम्हें ना मायावती को दें ना अखिलेश को दें, हम देंगे बीजेपी वोट, जय श्री राम को ही वोट देंगे। देखा जा रहा है यहाँ जनता का ये जो यहाँ पर रुख है साफ तौर से बीजेपी को जा रहा है। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज। हाथरस में एक गांव ऐसा जहाँ कोटा में एक यहाँ एक देवी का मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के बाद में यहाँ की जनता यह भी कहती है कि ये धार्मिक स्थल है, उसके बाद में यहाँ की जनता यह भी बोलती है कि योगी सरकार ने इस गांव को क्या दिया क्या नहीं दिया। 2022 के चुनाव आने के बाद में उनके विचारों को यहाँ देखते हैं और यहाँ हमारे खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, यहाँ पे क्या आप 2022 के चुनाव जो होने वाले हैं किसकी सरकार लाना पसंद करेंगे? अरे बीजेपी की, अभी कोई रुको भैया ही ना, माई को लाल नाथ को रोक के दिखा दे जाती है, तो अब दावा के साथ कह रहे हैं बीजेपी करो, बीजेपी ने गेहूं फ्री तुम बताओ, गेहूं कोई नाज खबा रहा फ्री, आठ बजे तक नाज फ्री चलो चले जाओ अगले बजे फ्री जी। बीजेपी की आदमी सब तरह की भाजपा की सरकार आ रही है, सरकार आप लाना चाहते हैं, हाँ जी, तो योगी जी को कितने नंबर देना चाहेंगे? अरे 9 देंगे तो समय से 10 में से 9 देंगे हम गारंटी के साथ 9 देंगे। इन्होंने 10 में से 9 नंबर दिए हैं योगी जी को, जबकि विकास भी किया है और घर घर शौचालय भी बनवाए, बहन बेटियों के लिए बहुत कुछ, शिक्षा का उद्देश्य भी आप आगे बढ़ाया। बात करते हैं इनसे, क्या नाम है आपका? महावीर जी, 2022 के चुनाव है, चुनाव होने के बाद में किसकी सरकार को लाना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार है, तो कितने नंबर देना चाहेंगे? क्या किया है बीजेपी ने आपके लिए? सब काम कर रही है, सिलेंडर भी दिए 2000 रुपए का, क्या क्या दिया आपको? तो अब ये जो बिल जो पास हुआ है बीजेपी सरकार में, क्या आप 2022 में इसकी सरकार लेके आना चाह रहे हैं?
बिल माफ नहीं हुआ है। जो ये धरना दिए गए थे किसानों को लेकर, उसको मुद्दे को पास किया गया, उसके बाद में क्या उसको सर कुछ सरकार को लेके आए मिलेगा, यानी कि आप बीजेपी की सरकार ही लेके आना चाहेंगे 2022 में? ऐसा क्यों क्यों लेके आना चाहेंगे? वही बढ़िया ना करता, वही सरकार बढ़िया है। एक तरफ बीजेपी की सरकार को लाना पसंद करेंगे, दूसरी तरफ बसपा सरकार को लाना पसंद करेंगे, और तीसरी तरफ सपा सरकार को भी लाना पसंद करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या इनकी राय है, क्या यह करना चाहते हैं इस सरकार में और आने वाली सरकार में, क्या अपनी विचारों को लेके आना चाहते हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, आप किसकी सरकार को लाना पसंद करेंगे 2022 के चुनाव में? 2000 सरकार तो बहुत बनी, पर योगी जी सरकार ना बनी ना, तो देखो 2 सरकार को लोगों तेल खाया अब तक हमने है। और मोदी जी ने कह दी हमारी माता बहनों के हाथ जलते हैं, ऐसा सिलेंडर दे दे, 400 रुपये का सिलेंडर दो और 900 रुपये आगे बढ़ाई कर दी। अब कहाँ है पैसा जब में, अब लकड़िया का एक कंडा ढूंढने पड़ रहे हैं और चूल्हे के काज। इनका कहना है कि योगी जी की सरकार में 201,000 रुपए का सिलेंडर है और कंडे मिल रहे हैं 200 रुपए, तो सरकार बीजेपी की हम क्यों लेके आए? यहाँ के एक प्रधान हैं जो ग्राम प्रधान, उन्होंने इनके इनसे भी बात करते हैं कि यह क्या कहना चाहते हैं, अपने विचारों को किस तरह से व्यक्त करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार, मैं ग्राम प्रधान हूँ और इस सरकार से ये अपेक्षा करते हैं के मतलब हमारे मानदेय के लेकर और हमारे प्रधानों के लिए मतलब इतनी किस्तें कम कर दी गई कि हम विकास नहीं करा सकते, हमें स्वतंत्र नहीं किया गया। हमारे सरकार तो हम उसको चाहते जो हमारे अधिकारों की बात करेगी और उसकी बात करेगी। आज तक सरकारें बदली हैं, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार बदली, कभी भी हमारे गाँव की तस्वीर नहीं बदली। क्या हुआ आज तक? प्रधान जी, आपका कहना है कि यहाँ की तस्वीर नहीं बदल पाई है, आपकी बहन बेटियों को कोई सुविधा मिली इस सरकार में? कुछ नहीं, सरकार में कोई नहीं मिली। आज से हमारे 40 साल पहले ये आर्थिक स्कूल था, आज भी ये आर्थिक ही है। क्या सरकार तस्वीर बदली हमारे गांव की है? आज भी कच्ची नालियों में होकर के पानी, गंदगी, भराब और सारा कुछ आज भी है। कहाँ तस्वीर बदली हमारी यहाँ? सरकारें आई और चली गई, सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया उन्होंने, कभी जनता को कुछ भला नहीं किया। सरकार को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? हम मेरी सरकार को, बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस, मैं तो 0 देना चाहता हूँ। यहाँ के ग्राम प्रधान है यह बोलते हैं कि मैं इस सरकार को, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन इन्होंने बताया कि 2022 में सरकार आए ऐसी जो विकास कराए, जो बहन बेटियों के साथ में उनकी पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। मैं तो आपने जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है, कई बदलाव हो सकते हैं और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्रिप्टो लेना है बट डोंट नो हाउ टू बाय इट? इट्स सिंपल विद रजिस्टर ऑन torrentexchange.org एंड कंप्लीट द KYC। यू कैन गेट 5,000 शिबा कॉइन, रेफर योर फ्रेंड्स एंड गेट 10,000 शिबा कॉइन। torrentexchange.org, इंडियाज बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। TorrentX है तो सेफ है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीविजन एमएक्स प्लेयर पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं।